Welcome to Shortcut Children. This is Shine Sir. Today we will continue our chapter number 6, The 100 Dresses 2. We have already studied the first part of this chapter, The 100 Dresses 1. And what we studied there? हमने वहाँ देखा था कि किस प्रकार से वांडा नाम की जो बच्ची है, वांडा जो है उसको किस प्रकार से उसके स्कूल के जो बाकी दोस्त हैं वो उसको चिढ़ाते हैं और किस प्रकार से उसका मजाक उड़ाते हैं। अब उसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने इस स्टोरी को छोड़ा था कहाँ पर कि वांडा जो थी उसको एक कंपटीशन के अंदर जिसमें ड्रेसेस ड्रॉ करनी थी उसमें उसको शी वन दैट कंपटीशन, वो कंपटीशन उसने जीत लिया है। लेकिन जिस दिन वो कंपटीशन का रिजल्ट आया है उस दिन वांडा स्कूल में हाजिर नहीं है, शी इज़ एबसेंट फ्रॉम द स्कूल। सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। Now the next part, the story starts with Miss Mason reading a letter from Wanda's father. अब Miss Mason को एक पत्र मिलता है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस से आया है अभी, और Miss Mason उस पत्र को पढ़ने लगती हूँ। कक्षा में चक्कर लगा रही हैं, कक्षा में घूम रही हैं इधर उधर, और तभी एक नोटिस आता है प्रिंसिपल के ऑफिस से। Miss Mason उसे पढ़ने के लिए अपना चश्मा लगाती हैं और उसे पढ़ना शुरू करती हैं, और वो देखती हैं कि ये पत्र जो है ये वांडा के पिता का पत्र है। अब पत्र में क्या लिखा है, उसमें लिखा है मिस मेसन, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पत्र को। मिस मेसन पत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गई और सभी बच्चों के सामने उन्होंने पत्र पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने बताया कि ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया है, पिता के द्वारा, वांडा के फादर के द्वारा, जिनका नाम है जैक पेट्रोंस्की। अब उसमें लिखा क्या है, उन्होंने लिखा है कि वांडा आज के बाद स्कूल नहीं आएगी, और ना ही जेक यानी उसका भाई जो है वो भी स्कूल नहीं आएगा। अब वो लोग बड़े शहर में जा रहे हैं रहने के लिए, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, जहाँ पर लोगों के फ़नी नेम्स, यानी कि जिस प्रकार से हमने देखा था पिछले पार्ट में कि वांडा का जो नाम है वो काफ़ी फ़नी माना जाता है स्कूल में, इसलिए उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो बड़े शहर के अंदर तो बहुत सारे लोग होंगे जिनका फ़नी नाम होगा और इससे भी फ़नी नाम होगा, इस कारण से उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, इसलिए वो एक बड़े शहर में जा रहे हैं जहाँ पर कोई भी उनका उनकी बेटी का मजाक नहीं उड़ाएगा। अब ये पत्र ख़त्म होते ही, जैसे ही पत्र समाप्त हुआ, तभी पूरी कक्षा के अंदर, पूरी क्लास के अंदर एकदम शांति छा गई। मिस मेसन जो थी वो समझ गई कि जो कुछ यहाँ पर उन्होंने रीड किया है इससे बच्चों को काफ़ी अंदर तक महसूस हुआ है, उनको अंदर तक इस बात को फील किया है उन लोगों ने कि आगे से वो कभी भी किसी को ठेस न पहुंचाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति कक्षा के अंदर प्रेजेंट जो भी बच्चे हैं सबको बुरा लगा कि वांडा जो है वो आज के बाद स्कूल नहीं आएगी। अब जो कुछ हुआ था वह बहुत ही बुरा हुआ था, यानी कि जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। उसने उन्हें उसके बारे में सोचने के लिए कहा। अब टीचर ने कहा कि आप सब इसके बारे में सोचिए कि क्या आपने सही किया कि वांडा का इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया गया कि वो स्कूल छोड़कर ही चली गई है। अब अगर आप पर्टिकुलरली जो मैडम हैं उनकी बात करें, उनको भी बहुत अंदर से बुरा लगा। अब मैडी और जो दूसरी बच्ची थी उसके साथ, इन दोनों को काफ़ी बुरा लगा इस बात। मैडी फर्स्ट पीरियड में बिल्कुल भी पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पा रही थी। ये भी बात सच थी कि उसने पैगी जब वांडा का मजाक उड़ाती थी, जब उससे 100 ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, तो ये बात भी मैडी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पैगी बार बार वांडा से पूछती थी, लेकिन मैडी अंदर से कभी भी उसकी इंटेंशन नहीं होती थी कि वो उसका मजाक उड़ाए। लेकिन ये भी बात गलत थी कि उसने कभी कुछ कहा भी नहीं था। वो कम से कम पैगी को रोक सकती थी, लेकिन उसने पैगी को कभी रोका भी नहीं, बस वो चुपचाप खड़ी रहती थी। परंतु जो भी उसने किया, यानी कि वहाँ पर खड़े रहना, एक डरपोक लड़की की तरह खड़े रहना, ये भी बहुत ही बुरी बात थी। यानी कि अगर दूसरे का मजाक उड़ाया जा रहा है और आपकी कामना नहीं है उसका मजाक उड़ाने की, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको कम से कम रोकें। अब आगे मैडी डिसाइड करती है कि वो क्या करे इसके लिए, वो कुछ सोचती है कि मैं क्या करूं। तो ऐसे में वो चाहती है कि वो वांडा से मिले और उससे माफ़ी मांगे। वो और पैगी दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वांडा पेट्रोंस्की को ढूंढेगी। वो दोनों मिलकर उसे ढूंढना चाहती हैं, और इसी दौरान वो डिसाइड करती हैं कि वो बोगिंस हाइट जाएंगी जहाँ पर वो रहती थी।
और वो वेवेंडा से बताएंगी कि वो मुकाबला जीत चुकी है, दैट शी हैड वन दैट कॉम्पिटिशन ऑल्सो, और इसके साथ साथ वो उससे क्षमा भी मांग लेंगी। अब जैसे स्कूल ख़त्म होता है तो दोपहर में पैगी और वेंडा जो मैडी जो थी वो दोनों वेंडा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब जब दोनों वहाँ जाते हैं तो क्या पाते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि हम उससे माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि आगे से वो कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो वो जब वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जो घर था बहुत ही एक किस प्रकार का एक गरीब बच्चों का घर कैसा हो सकता है, वैसा एक घर था, लेकिन वो बहुत ही साफ़ सुथरा था। उन्होंने उस घर को का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई, अंदर से जवाब नहीं मिला। इसका मतलब था कि पेट्रोंस्की जो थी वो वहाँ से जा चुके थे, यानी कि वेंडा वहाँ से शिफ्ट हो चुकी थी। अब वो कैसे पश्चाताप करेंगे, यानी कि कैसे अपनी गलती के लिए वो माफ़ी मांगेंगे, अब ये चीज़ फिर उसको अंदर से खाई जा रही थी। फिर पैगी ने मैडी को बताया कि वे उस समय कुछ नहीं कर सकती थी। जब उसने वेंडा को उसकी पोशाक के बारे में पूछा था तो उसे उसकी ड्राइंगों के बारे में अच्छे विचार आ रहे थे, वह संभवतः उसके बिना मुकाबला नहीं जीत सकती थी। अब जब उसने वापस में बात करने लगे तो उसने बताया कि जब वेंडा से उसने उसकी पोशाक यानी कि उसकी जो ड्रेसेस के बारे में पूछा तभी उसके माइंड में ऐसे ऐसे ख्याल आए और तभी वो जीत सकी। अब ये एक अपने आप को सांत्वना देने वाली बात थी। अब उसी रात क्या हुआ, मैडी जो थी उसने पैगी के इस विचार के बारे में सोचा और उस रात वो सो नहीं सकी, यानी कि अपने आप को अंदर से वो झकझोर रही थी यही बात उनको, कि उन्होंने वेंडा को इतना परेशान किया कि वो यहाँ से चली गई, और वो हमेशा यही सोचती रही कि वो उनके कारण वहाँ से चली गई है, तो इस ये बात उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब इवन उसने जो मैडी थी उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि अगर पैगी किसी और को परेशान करेगी तो वो इवन पैगी का जो फ्रेंडशिप है पैगी की वो भी छोड़ देगी, और वो किसी को भी कभी भी बुरा भला कहकर उसको उसका मजाक नहीं उड़ाएगी ना ही उसे दुखी करेगी। अब पैगी और मैडी डिसाइड करते हैं, अब दोनों ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा था कि हमने उस बच्ची को इतना परेशान किया कि वो यहाँ से चली गई है। अब ऐसे में वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो एक पत्र लिखेंगी वेंडा के नाम। अब उन्होंने एक पत्र लिखा, एक फ्रेंडशिप पत्र लिखा उसको वेंडा के नाम, जिसमें उसको बताया गया उसकी ड्रेसेस की जो उसने पेंटिंग्स बनाई थी उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की गई, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई, और उन्होंने उसमें ये भी लिखा कि उन्हें बहुत दुख है कि वो अब स्कूल नहीं आ पा रही है और वो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से दुखी हैं, और उन्होंने पत्र जो था वो बॉगिंस हाइट में भेज दिया, लेकिन वेंडा की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया उसका। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, पैगी और वेंडा जो मैडी जो थे वो दोनों उसे भूलने लगे, धीरे धीरे वो भूलने लगे, वो सोते सोते दोनों बच्चियां जो थी वो बातें करते करते स्पीच मतलब खुद के उस बच्ची के बारे में बोलते बोलते सो जाती थी। तभी एक दिन जब क्रिसमस का समय था तब इस घटना में थोड़ा बदलाव आया, इसमें एक नया मोड़ आया। क्रिसमस के समय मिस मैसन को वेंडा का एक पत्र मिला, और जब क्रिसमस वेकेशन से लास्ट डे जो था पहला अंतिम दिन था जो स्कूल का, उस दिन मिस मैसन ने उस पत्र को पढ़ा, उसमें क्या लिखा था। वेंडा ने मिस मैसन को लड़कियों को यह बताने के लिए पत्र लिखा कि वे उन 100 पोशाकों को रख सकती हैं, यानी कि जो 100 ड्रेसेस जो ड्राइंग्स उस बच्ची ने की थी वेंडा ने, उसने पत्र में लिखा कि मैडम जो मेरी गर्ल्स जो क्लासरूम क्लासमेट्स हैं वो उन ड्रेसेस को रख सकती हैं। उसके नए घर में उसके पास 100 नई पोशाकें, यानी कि जिस नए घर में गई है वहाँ फिर उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और वो चाहती थी कि पैगी जो है वो लाल रंग की जो ड्रेस थी, लाल सजावट वाली जो ड्रेस थी, लाल सजावट यानी कि हरी पोशाक थी जिसके ऊपर रेड कलर था कुछ डिज़ाइन किया हुआ था, वो रख सकती है, और मैडी जो है वो नीली वाली पोशाक रख सकती है, ब्लू कलर की जो पोशाक उसको पसंद थी, ड्रेस जो पसंद थी वो रख सकती है। उसने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, और उन्होंने ये भी लिखा कि यहाँ पर जो टीचर हैं वो भी अच्छे हैं लेकिन आपके जितने अच्छे नहीं है। अब इस पर पैगी जो थी उसने क्या रिएक्शन दिया, घर जब वो वापस आ रहे थे, घर वापसी पर मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंगों को ध्यानपूर्वक पकड़ा, उन्होंने अपनी ड्राइंग्स को अच्छे से पकड़ा, सारे घरों को सुंदरता से सजाया गया था, हवा में क्रिसमस की तरह की खुशबू थी, यानी कि चारों तरफ एक उल्लास का एक
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन कैसा होता है क्रिसमस के समय, जो एक विदेशी त्यौहार हम कह सकते हैं ज़्यादातर विदेशों में मनाया जाता है, हर एक घर था वो प्रॉपरली सजाया गया था, तो चारों तरफ यानी कि क्रिसमस की बहार थी, बर्फ पर भी रोशनियाँ लगी थी अलग अलग रंग की। पैगी ने बताया कि वांडा के पत्र ने दिखा दिया था कि उसे उनका पत्र मिल गया था। अब यहाँ पर दोनों ने एक अनुमान लगाया कि जो पत्र आया है वेंडा की तरफ से, उससे पता लगता है कि वेंडा को इन दोनों के द्वारा लिखा गया पत्र मिल गया था। वह उन्हें भी पसंद करती थी, यानी कि वो एक दूसरे को पसंद करते, उसका वह दिखाने का अलग तरीका था, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने अपने आप अनुमान लगाया कि जो वेंडा थी वो भी उनको पसंद करती थी। अब मैडी, जो ड्राइंग मैडी को दी गई थी उसके बारे में क्या कहा था, मैडी ने अलग तरीके से सोचा, उसने दुख महसूस किया। अब ये पैगी ने अलग तरीके से लिया कि उनको पत्र मिल गया, उसको पत्र मिल गया था और उसने बदले में उसको पत्र लिखा ऐसा करके, लेकिन मैडी थोड़ा अलग तरीके से सोच रही थी। उसने दुख महसूस किया कि वह वेंडा से फिर कभी नहीं मिल पाएगी। अब मैडी को इस बात का दुख था कि वो उसको कभी नहीं मिल पाएगी, उनके बीच में वह वास्तव में चीज़ों को कभी सही नहीं कर पाएगी, यानी कि उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। उसने बेडरूम में ड्राइंग टांग दी, अब जो ड्राइंग उसको दी गई थी उसने बेडरूम में टांग दी। उसने इस पर देखा और कुछ नहीं कहा, उसने देखा उस ड्राइंग को और कुछ कहा नहीं। उसने महसूस किया कि वांडा जो थी उसके प्रति ठीक थी, यानी कि उनका जो रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा था, यानी कि वेंडा और मैडी का जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी ठीक था। उसकी आंखों में आंसू आ गए ये सोचते हुए, उसने ड्राइंग को बड़े ध्यान से पढ़ा और उसने ड्राइंग का चेहरा और सिर देखा, यह उसके अपने सिर और मुंह की तरह से दिख रहा, यानी कि जो उसको ध्यान से देखा गया तो उसके सर और मुंह की तरह ही वो दिखाई दे रहा था। वेंडा ने इसे उसके लिए चित्रित किया था, अब ये जो चित्र जो बनाया गया था वो वेंडा ने उसके लिए ही बनाया था, उसी को चित्रित किया था। यहाँ पर वह यह सब सुनाने के लिए पैगी की तरफ दौड़ते गई, अब ये सब बताने के लिए वो दौड़ कर पैगी की तरफ गई, मैडी की बात कर रहे हैं, अब वो दोनों साथ में थी। अब क्या हुआ कि मैडी ने पैगी को बताया कि वेंडा ने जो ड्राइंग बनाई है उसके लिए वास्तव में उसने अपनी ड्राइंगों में इन दोनों को चित्रित किया था। पैगी ने मैडी को बताया कि उसने यह नहीं कहा था कि वेंडा ने किसी भी प्रकार से उन्हें पसंद किया था। मैडी रजामंद हो गई, मैडी खुश हो गई, उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने हंसती लड़कियों को देखते हुए वेंडा के बारे में सोचा। अब वो दोनों हंस रही थी और फिर वो वेंडा के बारे में सोचने लगी, वहाँ पर वे 100 के बराबर थी, यह कहा गया है कि मतलब वो जो ड्रेसेस थी वो 100 ड्रेसेस के बराबर कही गई, यानी कि जो वेंडा थी वो किस प्रकार से उसका मजाक उड़ाया गया चारों तरफ, लेकिन फिर भी उन वेंडा ने कभी भी दोनों लड़कियों को किसी भी तरीके से गलत नहीं कहा। अब मैगी टोल्ड पैगी दैट वेंडा हैड ड्रॉन द ड्राइंग फॉर हर, एक्चुअली शी हैड ड्रॉन बोथ ऑफ देम इन हर ड्राइंग्स, मतलब उस ड्राइंग के अंदर उन दोनों को ही ड्रॉ किया गया था, यानी कि जो ड्रेसेस जो ड्राइंग्स बनाई गई थी, तो इस प्रकार उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए।